हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सोनम शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम प्लांट फिजियोलॉजी देख रहे थे और प्लांट फिजियोलॉजी में हमने क्या क्या अभी समझा। हमने डिफ्यूजन देख लिया और इसके बाद में हमने ऑस्मोसिस के ऊपर डिस्कशन किया कि ऑस्मोसिस होता क्या है। तो एक बार मैं फिर से आपको ऑस्मोसिस एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑस्मोसिस में बेसिकली होता क्या है, सपोज ये एक वेसल है, हमारा कंटेनर है और यहाँ पर हमें वीक सोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन से, ठीक है, वीक सोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन से हमें क्या करना है, अलग करना है। और यहाँ पर हम किसकी मदद लेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करता क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा अपने अक्रॉस जाने के लिए, ठीक है, एंड इट विल नेवर अलाउ एनी सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, ये किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल को अपने अंदर से अलाउ नहीं करेगा, ठीक, ये इसकी खासियत है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आप कह सकते हैं जाएंगे। और ये क्या होंगे, H2O होंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। तो ऑस्मोसिस के थ्रू प्लांट्स में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। और बेसिकली अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो जो प्लांट्स वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं रूट्स के थ्रू, ये बेसिकली किससे होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑस्मोसिस में हमने इस जो अपने वेसल को लिया है, यहाँ पर हमने कौन सा मेम्ब्रेन यूज़ किया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ किया, ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है हमारा। और ये क्या अलाउ करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा अपने क्रॉस जाने के लिए। तो ये यहाँ पर हमारा सपोज वीक सोल्यूशन है। वीक सोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, वीक सोल्यूशन मीन्स होता है यहाँ पर सॉल्वेंट के अंदर, जो हमारा सोल्यूशन है पर्टिकुलर, हमारे सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो कम होंगे, वो वीक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मींस जहाँ पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या फिर आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है। तो ये हमारा वीक सॉल्यूशन है और ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक। अब आगे क्या हो रहा है कि यहाँ पर वीक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल, सपोज हमने 5 नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आपको समझने के लिए रख दिया, ठीक। अब यहाँ पर तो सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का ऑस्मोसिस के अंदर वो क्या होगा, वो लोअर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इधर होंगे, वहाँ से सॉल्वेंट हमारा कहाँ पर मूव कर जाएगा, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ या फिर हायर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि यहाँ पर सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स टू द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसी को उल्टे तरीके से समझिएगा कि यहाँ पर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वीकर सॉल्यूशन में ज़्यादा होंगे और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में सॉल्वेंट से ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा है, इस वजह से सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में मूव कर रहा है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर लोअर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का किधर जाना हो रहा है, जहाँ पर हायर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स है। तो डिफ्यूजन सिर्फ यही है और आपको सिर्फ इतना ही समझना है डिफ्यूजन के अंदर, ठीक है। इसके बाद में इसी से, क्योंकि अगर आप डिफ्यूजन नहीं समझोगे तो आपको टर्गर प्रेशर नहीं समझ में आएगा, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, सक्शन प्रेशर, इसमें से आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आने वाली हैं जब तक आपको डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। एक बात तो ये रही, अब हम बात करते हैं टर्गर प्रेशर की। वॉट इज़ टर्गर प्रेशर, तो टर्गर प्रेशर
तब डेवलप होता है जब हमारा ऑस्मोटिक डिफ्यूजन जो होता है, मींस वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर जाने लगते हैं, तो वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज स्टर्गर प्रेशर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो इट इज डेवलपिंग, एक मिनट, ये क्यों डेवलप हो रहा है? ये डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक डिफ्यूजन, ठीक है। ऑस्मोटिक डिफ्यूजन मीन्स जब आपके वाटर मॉलिक्यूल्स किसके अंदर जा रहे हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एंड दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर, ठीक है। कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। अब हम आते हैं वॉल प्रेशर पे। व्हाट इज़ वॉल प्रेशर? तो व्हेन सेल वॉल इज, जब यह सेल वॉल हमारा रिजिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, ठीक है। अगर सेल वॉल हमारा रिजिड हो रहा है तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर क्रिएट करता है। टू वॉट? किसके लिए अपोजिट प्रेशर क्रिएट करेगा? टू द टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? वॉल प्रेशर, हम इसी को कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप यहां पर ये डेफिनेशन पर्टिकुलर देख सकते हैं कि जब सेल वॉल रिजिड होगा तो वो इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर क्रिएट करेगा। टू वॉट? टू द टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वॉल प्रेशर। तो ये आपको समझना है, इसमें कोई भी बहुत